दार्जिलिंग हिल्स के कर्श्योंग शहर ने इंटरनेशनल फिल्म जगत के क्षेत्र में अब एक इतिहास रच दिया है। कर्श्योंग के निवासी फिल्म मेकर विवेक राय की शॉर्ट फिल्म शांति सर्बिया के कुस्तेंदोर्फ इंटरनेशनल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2024 की बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई है। ये फिल्म फेस्टिवल जनवरी 23 से 28 के बीच होने जा रहा है। शॉर्ट फिल्म शांति को अप्रैल स्काइज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर में बनाया गया है। ये फिल्म कर्श्योंग की ही एक पेंटर और राइटर छिमी अंगमुलामा द्वारा लिखी गई नेपाली शॉर्ट स्टोरीज के कहानी संग्रह एक मुक्तमुनाल पर आधारित है, जो कि अब पब्लिकेशन के लिए भी रेडी है। 17 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म कर्श्योंग सब डिविजन के सिटोंग में शूट की गई है, जिसके बनने के बाद इसे दार्जिलिंग, कर्श्योंग और सिलीगुड़ी में प्रदर्शित किया गया। 23 दिसंबर 2023 को ये फिल्म कलिम्पोंग और जल्द ही सिक्किम में भी स्क्रीन की जाएगी। विवेक के अनुसार फिल्म की कहानी का ओरिजिनल टाइटल फुटस्टेप्स ऑन फॉरगॉटन सैंड्स है, जिसमें एक सिंगल मदर और उसके बच्चे की कहानी को दर्शाया गया है। कहानी में माँ अपने बच्चे को एक सहायक रामे की मदद से खेतों में काम करना सिखाती है, लेकिन एक बिन बुलाई सिचुएशन आ जाने पर उस माँ को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन सब का सामना वो पूरे विश्वास, साहस और सहनशीलता के साथ करती है। यही नहीं, ये फिल्म जीवन के 5 तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की खोज पर भी आधारित है। विवेक ने बताया कि फेमिनिज्म के एक चैप्टर और ऑथर छिमी अंगमुलामा से बातचीत करने के बाद उन्होंने शांति फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उनके दोस्त पेम चिरिंग योलमो, अमान राय और उनके भाई सिद्धार्थ राय ने उनकी मदद की। साथ ही उनके भाई द्वारा मुंबई के प्रचलित सिनेमाटोग्राफर राजीव रंजन रुंथाला को इस फिल्म की शूटिंग के लिए अप्रोच किया गया। शांति फिल्म में शांति का किरदार निभाया है मिरिक की आर्टिस्ट शांतिला सिंगर तामंग ने और उनकी बेटी का किरदार निभाया है आराध्या थापा ने। साथ ही इसमें सुधीर तामंग, श्याम प्रधान और अनुरूप तामंग ने भी अपनी भूमिका निभाई है। विवेक बताते हैं कि फिल्म की प्रोडक्शन के लिए लेखिका के बेटे सनी लामा और पिता निमा लामा द्वारा फाइनेंशियली हेल्प भी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक छोटी टीम को बनाते हुए इस फिल्म को बनाने का कार्य शुरू किया। मीडिया से बातचीत करते हुए विवेक राय ने बताया कि कुस्तेंदोर्फ फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट होना उनके लिए और किसी भी निर्देशक के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवलों में से एक है। उनका कहना है कि इस नॉमिनेशन से वो स्वयं तो प्रेरित होंगे ही, साथ ही दार्जिलिंग क्षेत्र के अन्य फिल्म मेकर्स भी इस खबर से इंस्पायर हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि शांति फिल्म कुस्तेंदोर्फ फिल्म फेस्टिवल में भारत से नॉमिनेट होने वाली पहली फिल्म बनी है। विवेक राय कर्श्योंग के हिमाली बोर्डिंग स्कूल के दिनों से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, जिसके बाद वे एडवर्टाइजिंग सेक्टर में काम करने के लिए नेपाल चले गए, जिसके बाद उन्होंने एनजीओ केयर इंडिया के साथ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया। और साल 2016 में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने सपनों को पूरा करेंगे और इस निर्णय ने उन्हें एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेक ने फिल्म मेकिंग की कला को स्वयं ही सीखा है। उन्होंने अपने दोस्त कर्मा और कुसांग के साथ मिलकर 2015 में अप्रैल स्काइज फिल्म की शुरुआत की। उनकी टीम रीजनल आर्टिस्ट को सही रूप से गाइड करते हुए काम करना ज्यादा पसंद करती है, जिसके लिए वे कई रीजनल आर्टिस्ट को मौका देते हैं और इस कार्य के लिए उन्हें कई रीजनल थिएटर आर्टिस्ट जैसे राजू हिमांशु प्रधान, प्रताप थापा, शशि थापा, सविता गजमेर और सांगे लामा जैसे लोगों का साथ भी मिला। विवेक ने शांति के अलावा भी अन्य कई बेहतरीन फिल्म्स का निर्देशन किया है, जिसमें उनकी फिल्म ज्योति बिना को उज्यालो दार्जिलिंग के शांग्रीला लिटरेचर फेस्टिवल 2019 में विजेता भी रही और दूसरी फिल्म एंड वी आर लॉस्ट 2016 में स्पेन के कोर्टिगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में ऑफिशियली सेलेक्ट भी हुई थी। इसके अलावा द कॉर्ड से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म लिपस्टिक गोलाई पर भी काम कर रहे हैं। कुस्तेंदोर्फ फिल्म फेस्टिवल को एक सर्बियन फिल्म डायरेक्टर एमिर कुस्तुरिचा ने स्थापित किया था। ये फिल्म फेस्टिवल उभरते हुए कलाकारों, फिल्म मेकर्स को इम्पोर्टेंस देता है, जहां हॉलीवुड के बड़े नाम जैसे जॉनी डेप, मोनिका बेलुची और जिम जारमुश जैसे आर्टिस्ट भी अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं। इस फिल्म फेस्टिवल को सर्बिया के मोक्रागोरा के पास ड्रेवनगार्ड में मनाया जाता है, जो कि एक छोटा सा वुडन गांव है जिसे एमिर कुस्तुरिचा ने अपनी फिल्म लाइफ इज अ मिरेकल के लिए बनाया था। शांति के लिए नॉमिनेट होने के बाद विवेक राय और राजीव रंजन इस फेस्टिवल को अटेंड करेंगे। कर्श्योंग के फिल्म मेकर विवेक राय ने अपनी फिल्म शांति के साथ दार्जिलिंग हिल्स के फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है। आने वाले दिनों में उनसे प्रेरणा लेते हुए कई फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट दार्जिलिंग क्षेत्र को फिल्म जगत में आगे ले जा पाएंगे। द गॉड की टीम विवेक राय और उनकी टीम को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देती है। उन्होंने कर्श्योंग दार्जिलिंग और सिर्फ नॉर्थ बंगाल का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में एक कदम और आगे बढ़ाया है।